सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ मोटो जी 34 5G मोबाइल में ऐप लॉक कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों इस मोबाइल के आप सेटिंग में जाओगे तो कहीं भी आपको इनबिल्ट फीचर ऐप लॉक का नहीं दिया गया है, यानी इस मोबाइल में आप सेटिंग से ऐप लॉक नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐप लॉक करना ही चाहते हो तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक दोस्तों छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना एप्लीकेशन डाउनलोड के इस मोबाइल में आप ऐप लॉक नहीं कर सकते हो। तो कैसे आप जो है एप्लीकेशन इस मोबाइल में डाउनलोड करोगे और कैसे सेटअप करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सर्च पे यहां पर आपको लिखना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट, ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों आपके सामने आ जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है तब तक मैं यहां पर वेट कर लेता हूं। जब फ्रेंड्स एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए उसके बाद ओपन बटन पे आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, परमिशन यहां से आप अलाउ कर दीजिए। अब यहां पर एक आपको पासवर्ड बनाना होगा, तो जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हो वो पासवर्ड यहां से आप डाल दीजिए। दोबारा से री एंटर आपको वही पासवर्ड करना है। री एंटर करने के बाद यहां पर प्लस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सभी ऐप आ जाएंगी, जिस भी एप्लीकेशन में आपको लॉक लगाना है उसके सामने टिक होगा, टिक को आप ऑन करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर वही ऐप दिखाई देगी, इस पर क्लिक करेंगे, इस टिक को आपको ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से ये ऐप आएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए, इस टिक को आपको ऑन करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ यहां से क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन में लॉग लग चुका है, चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। बैक किया, बैक करने के बाद क्रोम ब्राउजर में लगाया था, क्रोम ब्राउजर पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर देखिए लॉग मांग रहा है, और जैसे ही लॉग मैं डालूंगा तुरंत क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में ऐप लॉक कर सकते हो।